मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी गामेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग जंगल का राजा शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रहा था। शिकार करते करते वो जंगल से और शहर की तरफ आ गया। शहर में राजा का राज था, राजा वहां का शेर था। उसके सैनिकों ने शेर और शेर के बच्चों को भालों से डंडों से मारना शुरू किया। सभी सैनिकों ने उसको घेर लिया। बड़ी मुश्किल से शेर अपने बच्चों के साथ जान बचाकर वहां से भागा और जंगल पहुंचा। बच्चों ने जब ये देखा कि हमारा पिता जो जंगल का शेर है, जंगल का राजा है, जिसके सामने सारे के सारे जितने भी जानवर हैं वो नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसको देख के घबराते हैं, वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि दुम दबा के भागा? वो इतना नालायक कैसे हो गया कि कुछ आदमियों को देखकर वो वहां से भागा और हमें भी भागने के लिए उसने कहा? ये सोचकर, ये देखकर उस जंगल के राजा की जो छवि थी वो बच्चों के दिमाग से टूट गई और बच्चों में एक मायूसी छा गई कि हमारा बाप है मगर इतना कायर, इतना निकम्मा है कि जंगल में तो बना फिरता है और शहर में जाके दुम दबा के भाग आया। शेर जो कि जानकार था, उनकी मनोदशा, मनोस्थिति, मनोविज्ञान को समझता था, इसलिए वो चुप रहा, खामोश रहा और अच्छे समय का इंतजार करने लगा। एक बार उस राजा की जो टोली थी राजा के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आई और उसने वहां जंगल में डेरा डाल दिया। डेरे में बड़े सारे सिपाही, नौकर चाकर, खाना पीना, रसोईया, पूरा पूरा तंबू, पूरा पूरा टेंट वहां उन्होंने लगा दिया। शेर को जब ये पता चला कि राजा के जो सैनिक हैं और राजा खुद यहां पर शिकार के लिए आया हुआ है, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि तैयार हो जाओ, आज रात को हम हमला करेंगे। बच्चे सारे तैयार हो गए। शेर उनको ले जाकर चुपचाप और राजा के कैंप में, राजा के जहां टेंट लगे थे उस पे जाके रात को हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा और राजा के सैनिक हड़बड़ा गए, तैयार नहीं थे, वहां भगदड़ मच गई, सब एक दूसरे की जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। उस भगदड़ को देख के बच्चे बड़े खुश हुए। उनके दिमाग में जो छवि टूटी थी वो दोबारा से छवि फिर बनी। उन्हें कहा कि हमारा पिता बड़ा काबिल है, वो इनको खदेड़ सकता है, इनको भगा सकता है और इनको हटा भी सकता है, वो जंगल का शेर है। मगर एक प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये आया कि उस दिन क्या हुआ था और आज क्या हो गया। उन्होंने अपने पिता से, शेर से पूछा कि जब आप शहर में थे तो यही लोग थे, आप दुम दबा के भाग आए, आज जंगल में ये लोग हैं तो आपने इन सबको दुम दबा के भगा दिया, ऐसा क्यों हुआ? राजा ने कहा, शेर ने कहा, जवाब दिया पिच। पिच उसने जवाब दिया। पिच जो होती है वो क्रिकेट के अंदर जो दो विकेट होते हैं दोनों तरफ के, उसके बीच का जो मैदान होता है, जो उसके बीच की जो जगह होती है उसको पिच बोलते हैं। उस पर बड़ी मेहनत की जाती है, उसकी मिट्टी खोदी जाती है, फिर उसमें अलग तरह की मिट्टी डाली जाती है, फिर उसको रोल किया जाता है, फिर उसको सख्त किया जाता है, उसको पिच बोलते हैं कि ये खेलने की पिच है। पिच किसी भी खेल के परिणाम को, अंजाम को, रिजल्ट को बदल सकती है। हार्ड पिच हो सकती है, सॉफ्ट पिच हो सकती है, जंप वाली पिच हो सकती है। ये जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, क्योंकि भारत में तो अपना समय खराब करने के लिए क्रिकेट में बहुत सारे लोग पांच पांच दिन तक टीवी के आगे बैठे रहते हैं और लगातार बैठे रहते हैं, तो वो जो पिच है वो परिणाम को बदल देती है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस देश की टीम उस देश में गई और वहां की पिच खराब थी, वो लोग जीत गए, इधर के लोग हार गए। यानी कि घरेलू पिच होती है। घरेलू पिच का मतलब है कि जिस पिच पे आपने प्रैक्टिस की है वो आपकी फैमिलियर हो जाती है, आपकी घरेलू हो जाती है और आप उस पिच को
जानते हैं, पहचानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, तो वहां जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मगर जो पिच आपके लिए अननोन हो, जिस पे आप ना खेले हो, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार हार जाते हैं, कई बार जीत जाते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। दरअसल ये पिच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शेर ने समझाया कि उस समय हम राजा के यहां थे, शहर में थे, वो उनका मैदान था, उनका घर था, उनका पिच था, सारे लोग वहां थे, वो उसकी गली गली और मोहल्ले मोहल्ले से वाकिफ थे। हमें नहीं पता था कि हमें किधर मुड़ना है, किधर जाना है, इसलिए हमने वहां से वापस होने का फैसला किया। और चूंकि जंगल हमारा घर है, हमारा पिच है, हमारा मैदान है, इसलिए हमें पता है कि कौन सा पेड़ कहाँ पर है, कौन सा रास्ता कहाँ है, कहाँ से कहाँ जाता है, भागने का रास्ता कहाँ है, हमला करने का कहाँ है, किस पेड़ की कितनी डाल ऊंची है, कितनी नीची है, कौन सा पेड़ कैसे काम करता है, कहाँ जमीन दलदल है, कहाँ जमीन पथरीली है, कहाँ जमीन मिट्टी वाली है। बच्चों को बात समझ में आई तो उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में पिच का क्या मतलब है। तो कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब जो मैदान में शिकार होता है या हमला होता है, अब पिच वैसी नहीं है। दरअसल भारत में लोकतंत्र है और दुनिया के कुछ देशों में लोकतंत्र है, वहां जो पिच तैयार होती है, यानी चुनाव के समय लोग अपने मुद्दे रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक तो ऐसी बातें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, इरिलेवेंट होती हैं, यानी कि देश के विकास से उनका कोई संबंध नहीं है। वो झगड़े की हो सकती है, लड़ाई की हो सकती है, फालतू की हो सकती है, बिना विकास की हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, बिना सर पैर की हो सकती है, कोई बहुत बात पहले जा चुकी है, कोई झगड़ा वगड़ा पहले हो चुका है उसके बारे में हो सकती है, कोई बंटवारा पहले हो चुका है उसके बारे में हो सकती है। यानी कि आज के संदर्भ में युवाओं को, नौजवानों को या भारत के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो पिच नेगेटिव होती है, बड़ी जहरीली होती है, मगर बहुत तीखी होती है, क्योंकि जहर तेजी से काम करता है, तो तुरंत काम करती है वो, और उसके बाद में वो रिजल्ट जिंदगी भर खराब देती है। यानी अगर आप उस मैदान में उतर गए और उसमें आगे, तो दो तीन दिन चार दिन असर रहेगा, उसके बाद फिर उसके दुष्परिणाम, खराब परिणाम जिंदगी भर आपको भुगतने पड़ेंगे। और जो दूसरी पिच होती है वो होती है सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छी वाली, जो देश के भविष्य के लिए बढ़िया होती है। जैसे देश के युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी, या देश में पढ़ाई की बात, सभी लोग देश में पढ़ें, या एक समान पढ़ाई की बात, या सभी को पैसा मिले, या सभी जितने लोग हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उनको फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं मिले, या उनको सस्ते सामान मिले, जैसे मोबाइल सस्ता है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता है, या कंप्यूटर सस्ता है, जो उनकी डेली जिंदगी में काम आता है, उनकी सुरक्षा का, उनके आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाहन है, चाहे वो कार है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे बस है, चाहे हवाई जहाज है, वो सारा सस्ता होना चाहिए, जिससे कि लोग आवागमन जा सकें, आ सकें, और काम पे अपने समय से पहुंच सकें, और उनका ज्यादा नुकसान ना हो। ये बातें होती हैं जो पॉजिटिव पिच में आती हैं, सकारात्मक पिच में आती हैं। तो पूरी दुनिया में दो तरह की पिच आज के समय जो पॉलिटिशियन है वो खेलते हैं। एक है जो तुरंत काम करती है मगर बाद में परिणाम खराब देती है, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, जो पिछले किसी झगड़े, पिछले किसी बात, या पिछली किसी चीज पे, या लड़ाई झगड़े पे, या काल्पनिक बातों पे, या ऐसी बातों पे जिनसे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। और दूसरी सकारात्मक पिच होती है, जो हमेशा देश के काम आएगी, नौजवानों के काम आएगी, बच्चे बूढ़ों के काम आएगी, जो सबके लिए अच्छी होगी, जो देश को तरक्की करेगी और पूरी दुनिया में देश को स्थापित करेगी और देश को सबसे आगे लेके जाएगी। तो आपकी समझदारी है कि आप किस पिच पे खेलना चाहते हैं। जिस पिच पे आप खेलना चाहेंगे, परिणाम आपको वैसे ही आएंगे, क्योंकि खेलना आपको है, पिच को नहीं खेलना है, भुगतना आपको है, जीत हार आपकी होनी है, नुकसान फायदे आपके होने हैं, यस और अपयस आपका होना है। जो भी चीजें होगी वो आपके साथ होगी, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो प्रशंसा हो, जिंदगी भर आपको देखनी है। इसलिए सोच समझकर अपनी पिच को चुनना चाहिए, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जंगल का जानवर शेर भी ये समझता है कि पिच कौन सी अच्छी होती है। आप तो फिर भी मनुष्य हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी
जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Dhammam Sarnam Gacchami.